फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हमारा रिजीम चेंज किया गया, तो मैं कहता हूं कि वो कौन था जिसकी वजह से धड़ाधड़ लोग पीटीआई में शामिल हो रहे थे, वो कौन था जिसकी वजह से काफ लीग एमक्यूएम बाप को तरीके इंसाफ का इत्तेहादी बना दिया। एक बात बताएं, वो कौन था जिसने इमरान खान, जो इन्होंने अवाम को लगाया, एक मिनट, वो कौन था जिसने इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए दिन रात एक काम किया, वो कौन था जिसने इमरान खान के लिए मीडिया को भी कहा कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें, वो कौन था जिसने खारजा दाखिला और मुआशी रास्तों के कांटे इमरान खान साहब के लिए चुने, वो कौन था जिसने इमरान खान हुकूमत के लिए मुल्क मुल्क जाकर पैसे मांगे, वो कौन था जिसने इमरान खान से मुल्कों इमरान खान साहब मुल्कों से तल्लक बिगाड़ते थे, वो जाकर तल्लक संवारते थे और पांव पड़ जाते थे, वो कौन था जिसने ईवीएम फैटफ समेत 80% कानून साजी में इमरान खान का साथ दिया, और वो कौन था जिसने कोरोना टड्डी दिल जीबी कश्मीर अभिनंदन कुलभूषण मामले में इमरान खान के साथ खड़ा रहा, वो कौन था जिसने फाटा मर्जर करवाया, सरहदी बाढ़ लगाई पाकिस्तान नहीं, आगे सुन ले वो कौन था जिसने इमरान खान के लिए हर गाली सही, हर ताना सुना, हर बेइज्जती सही, मीडिया से भी, रुसवाई और खारिज, मीडिया से भी, ऑपोजिशन से भी, हाँ, और वो कौन था जिसकी इमरान खान साहब तारीफें करते करते नहीं थकते थे, वो कौन था जिस पर इमरान खान फखर करता था, वो कौन था जिसने इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिया, वो कौन था जिसने चेयरमैन सेनेट पे इमरान खान की मदद की, वो कौन था जिसने पीएम सेक्रेटेरिएट से व्हाइट हाउस अमरीका तक इमरान खान के साथ रहा और मोहम्मद बिन सलमान से ट्रंप तक उनके, ठीक भट्टी साहब, ये तो आपका पॉइंट आ गया, मेरा सवाल अभी आपसे, कौन था जिस, नहीं मैं सिर्फ दो सवाल, दो जुमले रह गए, ये हमारे फैक्ट्स हमें करने चाहिए, मैं इमरान खान किसी के नहीं, हमें फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए, वो कौन था जिसने करतारपुर राहदारी जो है वो मुकम्मल की विद इन टाइम और इमरान खान साहब तारीफें करते थे, वो कौन था जिसने इमरान खान के अपने घर मंसूबे से खुशहाली तक हर कदम पर कामयाबियां इमरान खान साहब के लिए समेटी, वो कौन था जिसे कल तक इस वक्त से गालियां पड़ रही थी, बददुआएं दी जा रही थी, इसमें आए वो कौन है जिसने इन एहसानात का बदला मीर सादिक, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, गीदड़, हलाकू खान से दे रहे हैं, उस पे आता हूं, कौन है जो तैयार कर रहा है तहरीक इंसाफ को फौज के खिलाफ, उस पे आए बाप, प्लीज वो कौन है, प्लीज वो कौन था जिसे इमरान खान कहते थे यू आर माई बॉस, वो कहते थे नहीं सर आप मेरे बॉस हैं, वो कौन था जिसके जिसके खाते वो में वो कहते थे, एक मिनट भट्टी साहब मैं करेक्ट कर दूं, भट्टी साहब सुन ले क्योंकि आप वो कहते थे पार्टनर, तो वो कहते थे नहीं आई एम नॉट योर पार्टनर यू आर माय बॉस, ठीक कर ले जरा भट्टी साहब इसको, अच्छा वो कमर जावेद बाजवा था, वो आपके मुश्किलात का दोस्त था, वो आपका मोहसिन था, वो और आप इख्तदार क्या हटा के जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खत्म लिया तो उन्होंने कहा कि अब हम थक गए हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर करके, प्लीज अब अल्लाह के नाम पे अपने इत्तेहादियों को मनाएं और अपनी पार्टी पे खड़े हो जाएं, और इख्तदार क्या गया, कुर्सी क्या गई, आपने एक पल में उसे गद्दार बना दिया, गाली बना दिया और हर एहसान भूल गए, बुनियाद दरमियान में तो ठीक सर, मेरे ख्याल से मलिका बुखारी साहब की तसल्ली आपने करा दी, मैं तो कहना नहीं चाह रहा था लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐसा मौजू छेड़ा, आगे उन्होंने जो गेम खेली है ना वो मैं कभी कौम माफ कर भी दे, कौम को तो पता ही कुछ नहीं है, आप कह रहे बाहर कह रहे हो साजिश हो गई, अंदर कह रहे लेट्स प्ले विद इट, ऊपर कह रहे हैं ये शिर्क है बिकना बिकाना, अंदर कह रहे 5 महीने खरीद लिए 5 तो खरीद लो।